हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं पुलाव बना रही हूँ। तेल मैंने डाल दिया, प्याज भी डाल दी है, जीरा तड़का लगा के अब इसको हल्का सा ब्राउन कर देंगे। ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक आलू डाला है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। थोड़े से डाल देंगे इसमें सोयाबीन, धो के और पानी से निचोड़ के रखा था मैंने। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ एक टीस्पून। एक टीस्पून डालूँगी हल्दी, गरम मसाला आधा टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो कि मैंने धो के रखे हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको करेंगे मिक्स। ये एक टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो कुकर में बना रहे हैं उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा कम ही रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हम इसमें एक सीटी आने देते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हमारे पुलाव। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी?